Good morning guys, it's Rohit Sharma, BSF officer. So today we are going to study the topic tourism policy, potential and initiative in Himachal Pradesh. So friends, Himachal Pradesh mein tourism ko hum log basically teen eras mein divide kar sakte hain. British se pehle ka era, British era and after British era means independence ke baad ka era. So British ke pehle Himachal mein mainly religious tourism hi hua karta tha. British time mein jab Shimla ko British ka rajdhani banaya gaya, uske baad ek world map pe ubhar ke aaya Shimla. Aur recently after independence hum log tourism pe dhyan de rahe hain. 1991 के बाद, that is after post, we can say post liberalization era में बहुत ही हैफेजार्ट और बहुत fast development हुआ चंद एक tourist destinations का हिमाचल में. इसके लिए government of हिमाचल प्रदेश ने 2005 में एक tourism policy को निकाला ताकि एक proper तरीके से रेगुलेट किया जा सके और एक चैनलाइज किया जा सके अपने रिसोर्सेज और एफर्ट्स को टुवर्ड्स बेटर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश. सो फ्रेंड्स, वी विल रेफर द टूरिज्म पॉलिसी 2005 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू लुक इनटू द मिशन स्टेटमेंट व्हिच इज लाइक टू मेक tourism the prime engine of economic growth in the state by positioning it as a leading global destination by the year 2020. So mission statement mein 2020 ka ek vision dikhaya gaya hai aur tourism ko ek growth engine ki tarah istemal karne ke liye baat kiya gaya hai. So friends, agar hum टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मिशन के बारे में देखें तो इट्स लाइक दैट टू यूज़ सस्टेनेबल टूरिज्म एज अ मीन टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेजिडेंट्स. यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स यूनिक नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज and to ensure the long-term prosperity and good quality of life to future generations in Himachal Pradesh. So, ek tarah se sustainable development of tourism pe zor de raha hai hamara Department of Tourism Himachal Pradesh ka. Aur iska vision hai to make sustainable tourism one of the prime engine of socio-economic growth in the state by establishing it as a leading global sustainable tourism destination by 2029. तो एक स्टेप आगे ले रहा है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स, पूरे दुनिया में ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है. लगभग इसमें 11% के आसपास जो काम करने वाला वर्कफोर्स है वो इन्वॉल्व है और लगभग 10% ऑफ द ग्लोबल जो जीडीपी है उसको ये कंट्रीब्यूट करता है. इट्स वेरी डायनेमिक फील्ड वी कैन से. सो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स हैं और लोकल्स हैं और ऑब्वियसली टूरिस्ट्स हैं. सो कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है. सो इन दिस केस ऑल्सो द पॉलिसीज आर designed by taking care of the all these stakeholders. So friends, while we design the policy especially in tourism sector, so we need the cooperation of all the departments of governments and then we channelize the efforts of these departments towards a specific goal. Himachal Pradesh ko nature ne bahut hi pyara gift diya hai. Yahan pe
बहुत ही ब्यूटीफुल हिमालयन रेंजेस, सीरीन, अ पीसफुल हॉस्पिटेबल एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, स्माइलिंग पीपल एंड अ रिच कल्चरल हेरिटेज पाया जाता है। और किसी भी टूरिस्ट को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और एक तरह से एक कॉम्बो पैक के तौर पे टूरिस्ट इन चीज़ों को देखता है। हिमालय की गोद में होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मौसम भी पाए जाते हैं, मीन्स बहुत सारे पांचों के पांचों मौसम हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे सिडार, स्प्रूसीज, ये सारे प्लांट्स बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। सो फ्रेंड्स, शिमला को जब ब्रिटिश राज ने अपना कैपिटल घोषित किया 1864 में, तब से एक थ्रस्ट आया टूरिज्म में। तब से शिमला एक वर्ल्ड मैप पे निकल के आया, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे। 1971 में जब हिमाचल एक कंप्लीट स्टेट, न्यू स्टेट बन के आया इंडिया का, तो हम लोग एक सिस्टेमेटिक तरीके से टूरिज्म को आगे बढ़ाने लगे। फ्रेंड्स, 1980s और 1990s के बाद जो J&K में मिलिटेंसी जिस ईरा में बढ़ा, जिस टाइम में बढ़ा, उसके बाद जो जो टूरिस्ट कश्मीर वैली में जाते थे, वो उन्होंने अपना रुख हिमाचल की तरफ किया बहुत तेज़ी से। इस दौरान बहुत तेज़ी से जो टूरिस्ट था उसका नंबर बढ़ा हिमाचल प्रदेश में, फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा इस टाइम में। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग 3,660 होटल्स, 644 रेस्टोरेंट्स, 39,039 के आसपास रूम्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कितना तेज़ी से हम लोगों ने डेवलप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी के ये जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट लेकिन हैफेजार्ड मैनर में हुआ है। जहाँ जहाँ जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता गया, लोग वहाँ वहाँ वैसे वैसे कंस्ट्रक्शंस करते गए। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्टिंक्शन है कि जितना हमारा पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा ही टूरिस्ट हर साल हिमाचल में आते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हमारा पॉपुलेशन 66 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया है, और इससे भी ज़्यादा हमारे पास टूरिस्ट आते हैं हर साल। सो फ्रेंड्स, एक सीजनैलिटी का फैक्टर भी हमारे टूरिज्म में देखा जा रहा है। सीजन मीन्स द पीरियड फ्रॉम 15 अप्रैल टू 15 जुलाई एंड फ्रॉम 15 सेप्टेम्बर टू 15 जनवरी। सीजनैलिटी मीन्स के इस सीजन में फुटफॉल ज़्यादा रहता है टूरिस्ट का इन कंपैरिजन टू अदर पीरियड ऑफ द ईयर। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस आस्पेक्ट दैट वी हैव टू मेक हिमाचल आर डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स एंड फॉर ऑल रीजन्स। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो टूरिज्म है वो लगभग 8% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारा ये टारगेट है कि हम 2020 तक इस कंट्रीब्यूशन को 15% या उससे ज़्यादा लेकर जाएं। सो फॉर दैट कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो इन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू एस्टेब्लिश हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री एंड अब्रॉड। वी हैव टू मेक टूरिज्म अ प्राइम इंजन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट एंड एज अ मेजर मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। वी हैव टू एनकरेज अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन क्रिएशन ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्पेशली थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, दैट इज PPP मॉडल, टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। दिस इज नॉट ओनली इन्वायरमेंटली कंपैटिबल बट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ रूरल पीपल। ग्रामीण लोगों का अगर भला नहीं हो रहा है तो ऐसे टूरिज्म को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा
मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू अट्रैक्ट क्वालिटी टूरिस्ट एंड टू इंक्रीज देयर स्टे इन द स्टेट। अभी ये ट्रेंड देखा गया कि नंबर्स तो है टूरिस्ट का, लेकिन दे आर नॉट, उनका उतना बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस स्टेट को नहीं हो पाता है या लोकल पीपल को नहीं हो पाता है। वो आते हैं, टच करते हैं एंड दे गो बैक। सो आर एम, आर नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक देम स्टे इनसाइड द स्टेट एंड लेट देम एक्सप्लोर द थिंग्स एंड लेट देम स्पेंड सम मनी ऑल्सो टू सेफ गार्ड द स्टेट्स नेचुरल एंड मैन मेड हेरिटेज। ये डेवलपमेंट के साथ साथ, टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ, टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ, हमें स्टेट के जो नेचुरल एंड मैन मेड हेरिटेज को उसको भी बचाने का प्लान करना पड़ेगा। टू एनकरेज सिविल सोसाइटीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन एंड द कंडक्टिंग ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। वी हैव टू पोजिशन हिमाचल प्रदेश एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक हिमाचल एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन ओनली। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू सम शॉर्ट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एज वेल एज हिमाचल टूरिज्म इज कंसर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम स्ट्रेंथ्स। सो कम ऑन, सो वन ऑफ द रेयर प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफरिंग द फाइव डिस्टिंक्ट सीजन्स। जैसे मैं पहले बात कर रहा था, हिमाचल इज वन ऑफ द रेयर स्पॉट्स इन द वर्ल्ड विच हैव फाइव डिस्टिंक्ट सीजन्स, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। बिल्कुल डिस्टिंक्टली फील किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं एज फार एज वेजिटेशन इज कंसर्न्ड। पोलिटिकली एंड सोशली वी आर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द कंट्री। वी आर हैविंग टू गवर्नमेंट्स इन अल्टरनेट टर्म्स, दैट इज बीजेपी एंड कांग्रेस गवर्नमेंट्स। We have been recognized as most peaceful and hospitable state of the country. We are having no riots, no militancy, no left-wing influence, no separatist movements, no dispute with neighboring country or states. Himachal is having a salubrious climate, that is a very pleasant and healthy climate. Population is very supportive. Pollution free environment we are getting here. We offer a rare conglomerate of ecotourism, pilgrimage, adventure, culture, heritage, leisure, wilderness, etc. We are having fairly good infrastructure, high literacy rate, rich history and heritage that has something to offer to all people from all ages and from all level of incomes have something to explore in Himachal Pradesh. Its Buddhist monasteries, which are of 1,000 years old, ancient temples, churches, cemeteries means where dead peoples or their ashes are buried. Special package of incentives for setting up of tourism units there are provided on behalf of government. We are having very strong political will to promote tourism, so this is also a very positive factor. We are also having some weaknesses like negligible air and rail link in the state. We are only having three functional airports in Jubarhatti near Shimla, in Gaggal in Kangra, and in Kullu Buntur Airport. So it's not we are not that much connected through air, and also these airports are of smaller runway. Boeing यहाँ नहीं उतर सकता है, छोटे capacity के aeroplanes ही उतर सकते हैं। रेल लिंक भी लिमिटेड है, हेरिटेज के नाम पे कालका शिमला और ये पठानकोट मंडी वाला रेलवे ट्रैक्स हैं नैरो गेज के, बट वी आर नॉट हैविंग एनी ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स डीप इनसाइड द स्टेट। सो रेलवे एक तरह से वी आर नॉट कनेक्टेड वेल। इनएडुकेट फ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट,
नॉन डिस्पर्सल ऑफ टूरिस्ट अराउंड द ईयर, पूरा साल इक्वल नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन जब सीजन होता है, जैसे हम सीजनैलिटी की बात कर रहे थे, तो देर इज सीवर स्ट्रेन ऑन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग दोज पीक सीजन्स। सो देर इज ऑल्सो लैक ऑफ ट्रेन टूरिस्ट गाइड्स एट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेज एंड टू हिस्टोरिकल टूरिस्ट साइट्स। सेचुरेशन एट द एस्टेब्लिश्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो ऑलरेडी सेचुरेटेड हो चुके हैं। नो न्यू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैज़ कम अप रिसेंटली, कोई ऐसा कोई नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर के नहीं आते हैं। देर इज़ अ लैक ऑफ एडिक्वेट पार्किंग प्लेसेज एट सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेज, लाइक शिमला में जाओ बहुत प्रॉब्लम रहता है पार्किंग का। पुअर मार्केटिंग ऑफ द स्टेट अब्रॉड एंड इन एडिक्वेट मार्केटिंग विद द कंट्री। हम अगर पड़ोसी स्टेट्स के देखें, उत्तराखंड को देखें, तो दे आर वेरी एग्रेसिवली प्रमोटिंग देयर टूरिज्म डिपार्टमेंट और देयर टूरिज्म इनसाइड देयर स्टेट, बट वी आर नॉट डूइंग सो अग्रेसिवली अब्रॉड और इन अदर स्टेट्स। वी आर स्पेंडिंग वेरी लेस बजट ओवर आर टूरिज्म। प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन इज ऑल्सो देयर, एंड प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टूवर्ड्स दिस टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द वीकनेसेस। We are having opportunities like strong potential for activity-based tourism such as whitewater rafting, paragliding, trekking, mountaineering, water sports, mountain biking and car rallies, having tremendous scope inside the state. A strong base for heritage tourism to attract persons from all walks of society and religious beliefs is there. We have to develop an idea destination for nature lovers for promoting ecotourism. So friends, we have to create synergy between heritage and pilgrimage tourism. Development of wetlands of the state to attract nature lovers, especially world watchers, it's having tremendous scope inside Himachal. We have to promote the state as an open university and learning center in mythology, anthropology and ornithology. We can make or we can promote Himachal as an open university. Come and learn here, friends. Position it as an ideal destination for the film industry. Film industry, people engaged in film industry, come here. Have shootings over here. Himachal has something to offer to persons of all ages, groups, beliefs and interest. There is unlimited scope for development of varied tourist packages. Himachal can become one of the leading adventure destination friends in this world. So promote wilderness tourism for lovers and seekers of nature and peace and quiet. Those who love peace and quiet, please come here. Create new destination in yet unexplored but beautiful areas. This would also ease the burden on established tourist डेस्टिनेशंस, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके ऊपर से बर्डन तभी कम किया जा सकता है अगर हम उनके आसपास के अनएक्सप्लोर्ड बट ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर पाएं। तो वी आर हैविंग सम थ्रेट्स ऑल्सो ट्रमेंडस स्ट्रेन लीडिंग टू कोलैप्स एट टाइम्स ऑफ सिविक कम्युनिटीज एट लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ड्यूरिंग द सीजन। फ्रेंड्स, वी आर हैविंग हैफेजार्ड ग्रोथ एंड कंस्ट्रक्शन threatening to environment, especially at the leading tourist destination Shimla, Dharamshala. Haphazard construction of these concrete jungles over there, an alarming growth of concrete structure creating a disharmony with the local environment. Concrete jungle say is only creating disharmony with environment. It doesn't work positively for environment also. Unscrupulous commercialization of tourism could erode the social and cultural values. We have to promote the social and cultural and heritage values inside the state, not like a concrete jungles only. Aggressive competition among the leading tourist states and a strong promotion of tourism by neighboring or other states. Lack of coordinated strategy by different government departments, like I have already said that all government departments have to work synergically. 2 and 2 will make 22, not 4. A large increase in volume and limited increase in value.
वॉल्यूम तो बढ़ा है टूरिस्ट का, बट वैल्यू वाइज इट्स नॉट सो गुड. वी आर ऑल्सो हैविंग पुअर गार्बेज वेस्ट डिस्पोजल, पोजिंग थ्रेट टू द एनवायरमेंट. सो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी, अबाउट आर स्ट्रेटजी. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स. स्ट्रेटजी इज अ वेरी विजनरी टर्म, वेरी वास्ट टर्म. स्ट्रेटजी इज अ वेरी बिग टर्म इन कंपेरिजन टू टैक्टिक्स. टैक्टिक्स इज अ लोकल टर्म. वी लोकली मैन्यूपुलेट द थिंग्स और डू द थिंग्स फॉर पॉजिटिव गेन्स. वी कैन से टैक्टिक्स दैट. सो लेट्स डिस्कस स्ट्रेटजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म सब प्लान. गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन टूरिज्म सब प्लान. देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट टोटल बजट विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इज लेस इन कंपेरिजन टू अदर टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट्स. बाकी स्टेट्स से हम कम पैसा खर्च कर रहे हैं टूरिज्म पर. बट वी हैव टू सिंपली चैनलाइज ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक PWD, अर्बन डेवलपमेंट, INPH, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, पावर एटसेट्रा फॉर द कॉमन गोल एंड कॉमन काउज. सो फ्रेंड्स, फॉर दैट इफ वी कुड प्रॉपरली कोऑर्डिनेट अमंग ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, वी विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट. एंड चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स फॉर ऑल द कोऑर्डिनेशंस. सो फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, वो डिमांड बेस्ड है. जहाँ डिमांड है, जहाँ टूरिस्ट जाता है, वहाँ डेवलप हो जाता है इन वेरी हैफेजार्ड मैनर. लाइक शिमला, मनाली, डलहौजी, मैकलॉडगंज, कसौली, चैल, यहाँ पे बहुत हैफेजार्डली डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का. सो फ्रेंड्स, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड्स और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस का गठन किया गया है. टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ. चीफ मिनिस्टर जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन होता है. और उसके ये जो ऊपर हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, इन डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं. और जो इन डिपार्टमेंट्स के और जो मेन सेक्रेटरीज होते हैं वो भी इस डिपार्टमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं. तो ये बहुत पावरफुल और बहुत वी कैन से एफिशिएंट एक तरह से बॉडी बन के आया है आफ्टर 2005. एंड इट्स वर्किंग ऑन प्रायोरिटी एरियाज लाइक स्पाज, रिजॉर्ट्स, स्की स्लोप्स, एयरपोर्ट्स, टूरिस्ट सेंटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, पार्किंग एरियाज, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, रोपवेज, गोल्फ कोर्सेज, 4 और 5 स्टार होटल्स एट्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, इन प्रेजेंट टाइम वी आर हैविंग 2 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. फर्स्ट इज इन कुफरी एंड सेकेंड वन इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एट धर्मशाला, विच वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वॉज लेड इन 2009 एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2012. इट्स फंक्शनल फ्रॉम 2012 इट्सेल्फ. सो वी आर हैविंग अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट टूरिज्म इन साइड हिमाचल. सो वी हैव क्रिएटेड अ डेस्टिनेशन हिमाचल फंड फॉर एंड इट विच वी आर जॉइंट एफर्ट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड मेजर टेम्पल ट्रस्ट. जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये मेजर जो टेम्पल ट्रस्ट हैं लाइक बाबा बालकनाथ हैं, ज्वाला जी टेम्पल ट्रस्ट हैं और इस तरह के और भी टेम्पल ट्रस्ट हैं, उनके साथ प्लस जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये साथ एक साथ मिलकर हिमाचल को एक डेस्टिनेशन हिमाचल फंड के नाम पे हम लोग एक फंड को आगे बढ़ा रहे हैं. वी आर प्रिंटिंग अ न्यू ब्रोशर्स, पोस्टर्स एंड अदर टूरिस्ट लिटरेचर फॉर प्रोपागेटिंग आर आइडिया ऑफ टूरिज्म. वी आर डेवलपिंग 10 मिनट्स 20 मिनट्स फिल्म्स टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट आर टूरिज्म. Upgradation of information centers. This center will not only provide information but also provide booking facilities like Himachal Pradesh Tourism Development corporations and private hotels. These will become like a information center in itself. So friends, kiosks, screen
इंस्टॉल किया गया है मेजर एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन से स्टेशन पे, तो ऑन विच पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश. सो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ हैव अ लुक ऑन डिफरेंट इनिशिएटिव्स विच गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैज़ टेकन. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट टच स्क्रीन कियोस्क जो हैं वो जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमने जगह जगह पे लगा रखे हैं. वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोडक्ट्स. लाइक हमने जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं. हिमालयन पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर में हम लोग मनाते हैं. ट्रैकिंग प्रोग्राम एट स्पेसिफाइड प्लेसेस इन सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर ये हम लोग कंडक्ट करते हैं. स्पेशल स्कीइंग फेस्टिवल ऑन स्मॉलर स्केल इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्या करते हैं. कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर बुद्धिस्ट शिमला कांगड़ा चंबा मंडी एंड बिलासपुर सर्किट्स एंड डेस्टिनेशन सिरमौर एंड रोरू चंशाल. सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूली आइडेंटिफाइड टेम्पल सर्किट्स ट्राइबल इको सर्किट्स एंड डेस्टिनेशन धर्मशाला एंड रूरल टूरिज्म. ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ा रहे हैं. टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है. द डिपार्टमेंट हैज 16 टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स एट प्रेजेंट. ऑल दीज इंफॉर्मेशन सेंटर्स विल अपग्रेड एंड प्रोवाइड विद कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट फैसिलिटी सून. सो फ्रेंड्स, देर इज ड्रेस कोड फॉर द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर स्टाफ. ये भी एक तरह से सॉफ्टली प्रमोटिंग द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश. एंड फ्रेंड्स, ट्रेनिंग अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स. जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फॉर एज पर एज टूरिज्म इज कंसर्न, उनका उनकी ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है टू मेक देम मोर एफिशिएंट. वी आर हैविंग अ टोल फ्री सर्विस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टोल फ्री सर्विस फॉर 24 आवर्स सो दैट वी कैन हेल्प द टूरिस्ट. ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ होटल इज प्रेजेंटली देयर एंड वी आर ऑल्सो प्रिंटिंग द न्यू टूरिस्ट लिटरेचर. So friends, Himachal, because of its natural scenic beauty, attracts several filmmakers for shooting of films, TV serials, etc. Presently they have to seek permission for shooting from various departments. The government proposes to declare commissioner cum director tourism as the sole authority for granting all type of permissions relating to film shootings, and the fee thus be collected by the tourism department could be further remitted to the concerned department only. In addition to this, the department will invite investments from private parties also for setting up the film cities, studios and hiring of filming equipments, etc., for which government land could be provided on PPP basis. Proactive action would also be taken to attract film shooting parties to Himachal. So we are just promoting this, that all film makers should come in Himachal and work here. We are working on improving connectivity by road and railway. Roads ka kafi acha network hai Himachal Pradesh mein. Railways bhi jo hamare nearest bade stations hain broad gauge ke, jaise Pathankot ho gaya, Chandigarh ho gaya, Una ho gaya, wahan tak railway ki connectivity ko badhaya ja raha hai. बिलासपुर मनाली लेह जो रोड है कनेक्शन जो रेलवे नेटवर्क है उस पर जल्दी ही काम शुरू होगा जिससे काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो जाएगा हिमाचल भी रेलवे से. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी विल हमारे पास काफ़ी हेली टैक्सी सर्विस अवेलेबल हैं. 55 स्टेशन हैं जहाँ पे हेली टैक्सीज अवेलेबल हैं और जो हाई एंड टूरिस्ट्स हैं उनको वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड काफ़ी प्रोग्रेसिवली और काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है विच इज़ हेडेड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ. सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग और रेप्लीकेटिंग द मनाली मॉडल ऑफ ग्रीन टैक्स. सो फ्रेंड्स, मनाली एंट्री करने से लगभग 3 किलोमीटर पहले
ब्यास नदी के दोनों तरफ हम लोग टोल प्लाजा लगाते हैं, इस फंक्शनल फॉर लास्ट 10 ईयर्स, एंड वी आर कलेक्टिंग ओवर ₹34 करोड़ सिंस 2004। एंड इस पैसे को हम लोग पार्किंग लॉट्स में, टॉयलेट्स में और मनाली का ब्यूटिफिकेशन करने में खर्च करते हैं। तो इस मॉडल को हम बाकी हिल स्टेशंस पे, बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी रेप्लिकेट करने का प्लान कर रहे हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव। में भी प्राइवेट सेक्टर्स को वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो क्लियरेंस टू अट्रैक्ट देम फॉर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर इट्सेल्फ। वी आर नॉट टेकिंग मोर देन 90 डेज फॉर क्लियरिंग देयर प्रोजेक्ट्स इफ दोज आर फिजिबल। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो एग्जेम्प्टिंग सम लग्जरी टैक्स। जो लोग एक विलेज लेवल पे, रूरल एरियाज में एक अपना स्मॉल यूनिट्स शुरू करना चाह रहे हैं, उनको हम लग्जरी टैक्स पे छूट देते हैं। बिजली पानी उनको नॉर्मल ही चार्जेस किए जाते हैं उनसे। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सम रेगुलेशंस, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसमें रेगुलेशंस उतना ही जरूरी है, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम हैफेजार्ड। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास द हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 2002। इस एक्ट में हमने जो होटल्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको उनको एक तरह से उनको वी आर ट्राइंग टू इवेलुएट देयर क्वालिटी व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग इन देयर होटल्स और इन देयर सर्विसेज, एंड वी आर गिविंग देम मार्क्स ओवर दैट। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द टूरिस्ट पुलिस। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 63 जो कॉप्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको 33 स्पॉट्स पे हम लोगों ने लगाया है। इन पुलिस जवान्स को, पुलिस कांस्टेबल्स को हम लोग थोड़ा उनकी बिहेवियर को सॉफ्ट करने के लिए, वी आर टीचिंग देम एंड मोटिवेटिंग देम फॉर कर्टियस बिहेवियर विद द टूरिस्ट। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पैम्पलेट्स टू देम सो दैट दे कैन रीड अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस अराउंड देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ एरिया ऑफ ड्यूटी, सो दैट दे कैन गाइड द टूरिस्ट ओवर देयर हु विल अप्रोच देम ड्यूरिंग देयर ड्यूटीज। उनका ड्यूटी हम परमानेंट एक पर्टिकुलर एयर प्लेस पे ही लगाएंगे, ताकि वो लोग उस एरिया में अच्छे से जान पाएँ और टूरिस्ट को गाइड कर पाएँ। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स में जो हम लोग मैन पावर लगाते हैं, उसके साथ साथ जो हम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, MTA यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम लोग एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे हम उनका काम ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस एक्ट में हम लोग गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्लासीफाई द ढाबा सिचुएटेड ऑन द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। द क्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड, हाइजीनिक कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ फूड दे आर गिविंग, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स ओवर देयर, पार्किंग एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट विल एनकरेज एथनिक हिमाचल क्जीन इन दिस ढाबाज। तो ये जो ढाबा नेशनल और स्टेट हाईवेज के ऊपर हैं, उनको हम लोग ग्रेडिंग देंगे, और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एनकरेज हिमाचल का जो खाना है उस पर उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली, टूरिज्म यूनिट्स इन द स्टेट विल बी क्लासीफाइड एज पर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सो दैट द टूरिस्ट गेट देयर वैल्यू फॉर मनी। द होटल एसोसिएशन विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस ऑल दिस फंक्शनिंग्स। सो जिस टूरिज्म का वैल्यू ऑफ देयर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, वी आर प्रोमोटिंग एक्सलेंट इन टूरिज्म। द गवर्नमेंट विल इंस्टीट्यूट मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी अवार्ड्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म, लाइक अकोमोडेशन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, इको फ्रेंडलीनेस, क्लीनलीनेस एट्सेट्रा। दिस स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई अ स्टेट लेवल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टूरिस्ट ट्रेड एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज टॉपिक, दैट इज टूरिज्म पॉलिसी पोटेंशियल एंड इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश। फिर भी अगर किसी को इसके बारे में कुछ और जानना हो तो यू कैन गूगल द थिंग एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो सो दैट आई कुड रीड योर कमेंट एंड आई कुड आंसर योर क्वेरीज। सो गुड लक एंड कीप द स्पिरिट अप। थैंक्स। जय हिंद।